हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो ये मेरा हो गया, मैं अभी बंद करती हूँ। ये है आफ्टरनून का टाइम और यहाँ पे देखिए आज बहुत कम चीज़ है, राइस का कंटेनर भी नहीं है। इसमें मैं ब्रेकफास्ट बनाई थी, ब्रेकफास्ट मेरा ख़त्म हो गया और यहाँ पे दो एग उबाल रही हूँ ताकि मैं खाऊंगी राइस के साथ। और यहाँ पे एक ठो कढ़ाई है जो कि मैं बनाऊंगी राइस है, मतलब कल से है वही राइस को मैं खाऊंगी, क्योंकि वो मेरा 2 दिन या 3 दिन ऐसे ही होगा। आप देख सकते हैं कितना सारा राइस है, तो 3 दिन होगा, बहुत सारा राइस है। यहाँ पे चिकन है, चिकन और एग के साथ मैं खा लूँगी, मैंगो है, तो इतना ही होगा मेरा आज। इतना ही मतलब बहुत अच्छे से होगा और कुछ भी करना नहीं पड़ रहा है, तो बोर लग रहा है। पिंटू तो नहीं है और ये ऑयल ख़त्म हो गया, तो मैं ऑयल को निकाल के रखी हूँ, इसको इसमें भरूँगी। और चलिए, और कुछ काम नहीं है, टाइम 1:10 हुआ है, इतना बहुत ज़्यादा भी नहीं है। और मैं छत में गई थी, सारा कपड़ा सुखा के आई हूँ, तो चलो इसको मैं बंद कर देती हूँ। इतना भूख भी नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद, आधा घंटा हुआ है मैं खाई हूँ, तो मैं लेट में थोड़ा खाऊँगी। टाइम 2 बज गया, मैं चलती हूँ, बनाऊँगी वो चिकन को गर्म करूँगी थोड़ा, और इसके साथ एक, और थोड़ा कुछ कटना है मुझे, क्योंकि वो जो राइस को थोड़ा बनाऊँगी ऐसे ही, उसको फ्राई नहीं कर सकती हूँ। ये सारा मैं काट ली थोड़ा सा, ये बहुत बड़ा बड़ा था कड़ी पत्ता, तो थोड़ा मैं 2-3 टुकड़ा इसको कर ली। और ये चिली है, छोटा छोटा कट कर ली। और ये है जिंजर, तो इतना सारा दे के, थोड़ा घी दे के, ये देखिए चिकन है मेरा, तो घी में इसे राइस को थोड़ा सा मैं फ्राई करके खाऊंगी। ये कितना सारा है, ये भी बिरयानी राइस है, तो जैसे था वैसे ही है, कुछ भी हुआ नहीं है। लेकिन काल तक रहेगा या नहीं रहेगा पता नहीं, काल हो के फिर परसों भी हो जाएगा मुझे, क्योंकि बहुत सारा है। घी और डालूंगी इसमें जीरा, थोड़ा अच्छा लगेगा, जैसे कि जीरा राइस लगेगा, बहुत मतलब इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा ज़्यादा घी दे रही हूँ क्योंकि ये राइस एकदम ड्राई जैसे लग रहा है अंदर रह के। इसको मुझे हाथ में करना चाहिए था, ये नहीं होगा अभी इसमें। मैं और थोड़ा दे दूंगी ताकि ये रात को भी हो सके तो खा लूंगी, इसको खा के ख़त्म करना है, तो रात को हो सके तो ये खा लूंगी, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा, 2 दिन तक नहीं रहेगा। लेकिन मुझे रात को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जैसे कि कुछ खाया नहीं ऐसे लगता है। ये खाऊंगी थोड़ा और रोटी एक खा लूँगी, और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट तो देना पड़ेगा क्योंकि स्वाद नहीं लगेगा। के रेडी जीरा राइस, एंड ये मेरा इतना ही बच गया। ये आज तो नहीं हो पाएगा, ये थोड़ा बच गया, ये कल। चलो राइस मैं खा लेती हूँ, लग तो रहा है कि टेस्टी होगा शायद, ऐसे ही लग रहा है। थोड़ा सा तीखा आएगा क्योंकि मैं चिल्ली डाली हूँ इसमें, और चाहे तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, तो प्रॉपर जीरा राइस बन जाएगा, लेमन राइस। एंड ये ठंडा होने के बाद, ये देखिए थोड़ा गोटा गोटा है, और ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा आप इसमें कर्ड ऐड कर दो तो ये कर्ड राइस हो जाता है।
तो बहुत इजी है ना, तो बहुत इजी है राइस में कुछ भी बनाओ तो वो इजी पड़ता है। तो ओके गाइस चलिए, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ओके गाइस चलिए मैं चलती हूँ खाने के लिए, हो गया। और ऊपर है कुछ सुखा के आई हूँ, जो कि कपड़ा वपड़ा था कल मैं आपको दिखाई थी। और देखिए बहुत धूप हो रहा है आज, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है बाहर, आज धूप हो रहा है तो हो सके तो मैं थोड़ा बाहर भी जाऊँगी इवनिंग को। ये देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है बाहर का नज़ारा, बारिश कब हो जाएगा पता नहीं, यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता है धूप देख के। मतलब अभी धूप हो रहा है फिर थोड़े 5 मिनट में बारिश हो जाता है। तो ओके गाय चलिए मैं खाने के बाद आपसे मिलती हूँ। ये रहा मेरा लंच एंड थोड़ी सी अचार एंड पानी, अगर मैं राइस खाऊंगी तो यहाँ पे ले आई। यहाँ पे चिकन भी है तो चलिए बैठ जाते हैं। मुझे अकेले मन भी नहीं कर रहा है खाने के लिए, पिंटू नहीं है, मैं बहुत मिस कर रही हूँ अभी। मुझे घर में हो या यहीं, मुझे कभी भी अकेले खाने को मन नहीं करता, आज नहीं शादी से पहले भी। तो चलो पिंटू अभी बिरयानी खाए हैं, मैं फ़ोन की थी और चलती हूँ मैं खा लेती हूँ। अभी बना रही हूँ मैं डिनर, ये एग पोच है और इसके साथ मैं खाऊंगी रोटी, ये दो एग पोच है। मेरा एग फट गया, ओ नो। अरे यार ये मेरा ओवर कुक हो गया, एग पोच ओवर कुक हो जाए ना तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल खाने के लिए। देखिए ये एकदम कुक हो गया, और ये सुबह का जो था इसको थोड़ा सा मैं हल्का गर्म कर दी, फिर भी मैं मुझे ये ज़्यादा होगा क्योंकि मैं एक दो रोटी तो खाऊंगी ज़रूर, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। 5-6 रोटी की हूँ, अभी 2 खाऊंगी, फिर सुबह पिजन 2 खाएंगे एंड जो बचेगा बचेगा। तो चलो मैं डिनर करके आपसे मिलती हूँ। टाइम 10:30 हो गया, पूरा 10:30, और मैं आ गई रूम में। ये सारा लाइट्स वाइट्स कुछ ऑफ नहीं की हूँ, वो ऑफ करूँगी। तो इससे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ फ्लिपकार्ट से, तो ये 2 मैं लेके आई हूँ डस्टिंग ब्रश, जो कि मेरे पास नहीं था और मार्केट में भी देखी थी 2-3 जगह में ऐसे देखे थे, लेकिन वो पसंद नहीं आया। वही सेम टाइप का था सारे जगह में, लेकिन उसके अंदर जो ये वाला स्टिक है यहाँ तक है, बहुत ज़्यादा नहीं यहाँ तक है एकदम नीचे, वो स्टिक एकदम ऊपर था। तो आप एक ब्रश करेंगे तो वो स्टिक लग के आपका बेड भी ख़राब हो सकता है। और मैं पर्टिकुलर इसको लाई हूँ, मेन रीज़न है मेरा बेड, क्योंकि ये जो कटिंग है ना इसको डायमंड कटिंग बोलते हैं, और ये डायमंड कटिंग को कितना सारा कटिंग है देखिए, वो इसमें हाथ लगा के ऐसे ऐसे मैं कपड़ा में कर रही तो एक तो हाथ दुखता है, दूसरा बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं इसको ले आई, ये मेरे पास नहीं था। तो इसका कलर देखिए एकदम मस्त कलर है 2, और ये देखिए जैसे कि लग रहा है कि फेस का ब्रश है जो मेकअप लेते हैं वही डिटो से वही लगता है। और ये 2 कलर कितना अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये कलर देख के मैं लाई हूँ। और एक सोची कि अगर एक ख़राब हो जाएगा तो दूसरा मुझे कुछ काम देगा, और एक सिंगल वाला भी था और वो भी प्राइस ज़्यादा था, लेकिन मुझे पता नहीं ये देखने के बाद मुझे लगता है बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट भी है। हार्ड में होता तो बेड भी आपका ख़राब हो सकता है या कुछ भी चीज़ होता है आपका ख़राब भी हो सकता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी देखिए इसका कलर कितना स्वीट है। इसको मैं लेके आई हूँ, और काल लाया था ये तो पिंटू गए बिजी में, मैं नहीं दिखा पाई, मैं सोची कि चलो इसको बाद में दिखाऊंगी। और थोड़ा बहुत काल भी मैं कर ली थी रात को यहाँ, तो ये बहुत अच्छे से जा रहा है, रात को नहीं सॉरी दिन में की थी जब पिंटू थे तभी आया था तुरंत, तो मैं ऐसे ऐसे करके दिखा रही थी पिंटू को। तो ये पिंटू को लेके अच्छे से जा रहा है, और फ्रंट का जो कवर्ड है जहाँ पे मैं फूल वगैरह तोड़ के रखती हूँ वही कवर्ड में थोड़ा ऐसे की थी, ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये वॉशेबल है या नहीं वही मेरा डाउट है, क्योंकि वॉश कर देने से अगर ये गंदा तो होगा, ये कलर भी देखिए जल्दी गंदा हो जाएगा, ये तो बहुत जल्दी होगा, तो इसको वॉश करने से ये ऊपर टूट जाएगा, ये मतलब उठ जाएगा या क्या मुझे पता नहीं, अगर एक करके देखूंगी गंदा होने के बाद, तो अगर होगा तो इसको नहीं करूंगी। तो बहुत अच्छा लगा, अगर आपको आप ढूंढ रहे हैं फ्लिपकार्ट में ये आपको मिल रहा है, कोई डाउट है आपके मन में, तो ऐसे कुछ नहीं है, एकदम टाइट टाइट भी है,
वॉश करने के बाद मैं बता नहीं सकती हूँ, और कुछ दिन मैं यूज़ करने के बाद आपको ज़रूर बताऊँगी। ये तो रखने वाली चीज़ नहीं है कि हम लोग ला के घर में रख दें, इसको यूज़ भी करना पड़ता है। तो चलो ये मुझे अच्छा लग रहा है अभी, फिर मैं आपको बाद में फिर से बताऊँगी। एंड इसका प्राइस था 333, लेकिन मुझे पड़ा है 270, क्योंकि मेरा कुछ कॉइन्स था तो वो कॉइन्स को मैं यूज़ की थी, तो मुझे उसे यूज़ करने के बाद मुझे पड़ा था 270। तो चलो गाइस मुझे अच्छा लगा ये, तो अगर ये क्या होता है मैं बाद में आपको बताऊँगी। तो चलिए मैं अभी ब्लॉग को स्टॉप करूँगी, मिल्क भी ले आई, और 9:30 या 10 के अंदर से मैं खा ली, क्योंकि कोई नहीं है ना, मुझे अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और मैं पिंटू को बहुत मिस कर रही हूँ, और पिंटू मुझे बोले थे आज कि बाहर जाके घूम के आओ, लेकिन मुझे मन नहीं किया अकेले जाने के। अकेले नहीं मतलब ऐसे कुछ चीज़ ज़रूरत नहीं था, तो कुछ ज़रूरत होता तो मैं जाके लेके आती, लेकिन पिंटू को मुझे काल तो बहुत अच्छा लग रहा था कि पिंटू चलो मेरे लिए कितना कुछ सामान लेके घर में रखे हैं, लेकिन आज गुस्सा आ रहा है कि इतना चीज़ सारा चीज़ रख के गए ना, तो मुझे बाहर जाने का कोई चांस ही नहीं। फिर फ़ोन करके बोल दिया कि तुम जाओ, ये सारा चीज़ तुम लेके क्यों आओगी, ऐसे ही घूम के आओ, तो इसीलिए मैं सारा चीज़ रख के मतलब चलो मैं बहुत मिस कर रही हूँ, और कुछ दिन मुझे कैसे रहा जाएगा मुझे पता नहीं, अच्छा नहीं लगता यार अकेले अकेले रहना, लोग मतलब बहुत ज़्यादा लोगों में अच्छा भी नहीं लगता रहने के लिए मुझे, मैं बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर भी नहीं रह पाऊँगी, लेकिन अकेले भी नहीं रह पाऊँगी, तो अच्छा नहीं लगता इतना बड़ा घर में अकेले, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कोई फ्रेंड्स भी नहीं है मेरा यहाँ पर, तो वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए थोड़ा बहुत गर्म भी लग रहा है, मैं ऊपर फैन बंद करके बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत आवाज़ होता है, और पिंटू साफ भी कर दिए इसको, तो और भी ज़्यादा हवा लग रहा है अभी। तो चलिए अभी टाइम तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, 11 के आसपास होगा, क्योंकि मैं थोड़ा बातचीत आपके साथ कर ली और चलती हूँ। सारा ये लाइट्स ऑफ नहीं की हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है, सारा ऑफ करके आऊँगी। तो ओके गाइस चलिए मैं ब्लॉग को स्टॉप करती हूँ, ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।